फिर से बैठ गया वहीं पे। ये इसको वहाँ से लेके आ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक आने में ये 4 बार बैठ चुका है, ये चलना ही नहीं चाह रहा है। अब मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है कि ये लेग बेंडिंग प्रॉब्लम हो रही है इसको, या फिर इसकी बॉडी में जान ही नहीं बची है, कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, खाना तो इसको प्रॉपर मिल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और आज काफ़ी लेट उठा हूँ मैं सुबह 4 बजे भी इसको पॉटी कराने के लिए उठा नहीं, और इसने भी नहीं किया आज सुबह। ना इसका सारा शेड्यूल बिगड़ गया है, क्योंकि ये मॉर्निंग में इसको कुछ कर ही नहीं रहा है। मम्मी ने उठा आके इसको टॉयलेट वगैरह कराया था, तो मैं उठाऊँ ऑलमोस्ट 8:30 बजे। तो 8:30 बजे उठ के मैंने इसको उसी जो एसिडिटी की मेडिसिन है वो दी थी मैंने उसको, सिरप है वो पिलाई उसको। उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद इसको मैंने खाना वगैरह खिलाया, तो इतने पसंद से खाना खा नहीं रहा है। तो कल मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था कि ये टिक फीवर कितना हार्मफुल हो सकता है, तो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है टिक फीवर। और थोड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ये जो फ्लोर है ना, फ्लोर स्लिपरी है थोड़ा सा, तो इसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कब हो सकता है इसको लेग बेंडिंग प्रॉब्लम हो जाए। तो सौरभ और मैं भी बैठ के इसी का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई रबर मैट वगैरह डाल दे जिससे ये फिसले ना और इसको चलने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मोस्टली रोमियो जो है इसी रूम में रहता है। तो देखते हैं उसका भी कुछ उपाय करते हैं, और इसकी तबीयत बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। ये अभी तो फ़िलहाल इसको मैंने जो कैल्शियम बोन दिया है, इसने खाया देखो कितने, अभी भी ये गीला कर लिया है इसने पूरा खा के ना। तो इसको कपड़े भी पहना दिए हैं, ताकि ये नीचे फ्लोर पे सोता है ना, तो इसको ठंड ना लगे। ठंड की वजह से इसके अंदर कफ बन रहा था, डॉक्टर बोल रहे थे, तो वो भी ना हो। तो इसने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कर लिया है, मम्मी बना रही है ब्रेकफास्ट रोटी वगैरह, तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर देखता हूँ इसका कुछ। देखो बिल्कुल ना सुस्त हो गया है, चल जहाँ जाता है ना वहीं आके बैठ जाता है। तो इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उपाय, आज डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इसको। आयरन की इंजेक्शन लगने वाली है, तो इंजेक्शन लगा के शाम को लेके आएंगे इसको। तो आज का तो शेड्यूल कुछ खास नहीं है, यही है, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद फिर। रोमियो, अभी मैं रोमियो को ना बाहर गार्डन में थोड़ा वॉक करा के लाया हूँ, कि इसके पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में मैंने थोड़ा सा देख लिया कि फिसलने लग गया। तो मैं अभी इसको बाहर थोड़ा वॉक करा रहा था, कि वॉक कराने से ना इसके थोड़े पैर का बैलेंस ठीक होगा। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर में इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और नीचे यहाँ के लिए ना फ्लोर के लिए मैं रबर मैट मंगा रहा हूँ, सो दैट उस पर चल के ना ये फिसले ना। ये इनिशियल अभी से इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं जितने भी लोग जिनके घर में टाइल्स है ना, वो लोग इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना अपने पपीज के साथ, स्पेशली जर्मन शेपर्ड के साथ, बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखो इसको रोमियो बिट्टू, ये देखो बाइटिंग कर रहा है। अरे रोमियो बेचैन हो रहा है बिल्कुल। ये देखो इसका मुंह पता है कहाँ पे है, ये मैंने रोटी तोड़ के रखी है कि बिल्कुल वहीं पे नज़र टिकाए बैठा है। देखो कैसे एकदम टेढ़ी मेढ़ी आंखों से देख रहे हैं कैसे उतर जाऊँ मैं नीचे। मैंने इसलिए इसको ऊपर बैठाया कि जल्दी नीचे कूदता नहीं है यहाँ से, ताकि मैं आराम से रोटी पूरी तोड़ सकूँ। तो मैंने पूरी रोटी तोड़ दी है, अब इसके लिए मैं यहाँ से ये चिकन जो है ट्रोल्स का आता है वो मिक्स कर दूँगा इसमें, और फिर अच्छे से खाएगा। देखो ये देख के कैसे एकदम बेचैन हो रहा है। और ये देख रहे हो, मैं इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि ये खड़े होके नहीं खा रहा है। अब पहले वह खड़े होके अच्छे से खा लेता था, लेकिन अब ये देखो लेट लेट के खा रहा है। ये इसकी लेग बेंडिंग प्रॉब्लम का शायद इनिशियल स्टेज है, ये इस पे खड़े नहीं हो पा रहा है, फिसल जा रहा है। ये देखो फिसल जा रहा है, इसी चक्कर में ना मैं इसको बेड के ऊपर बैठा रहा हूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पता है एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर इसके ध्यान दे रहा हूँ कि इसको प्रॉब्लम ना हो, एक ना एक प्रॉब्लम इसके साथ हो ही जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके साथ। तो ये खा लेता है, इसके बाद फिर मैं उसको ऊपर बेड पे रख दूंगा, क्योंकि बेड पे ना स्लिपरी नहीं है, बेड पे इसको ग्रिप मिल जा रही है, नीचे इसको ग्रिप नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। रोमियो स्टैंड अप बेटा, खड़े हो स्टैंड अप, कोशिश करो, गुड बॉय। लेकिन ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाता है, तो अभी अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो मैं रोमियो को बाहर गार्डन में वॉक कराने के लिए लेके आया हूँ, ताकि थोड़ा वॉक करे, यहाँ पे स्लिपरी नहीं है, थोड़ा सा इसको वॉकिंग हैबिट हो जाएगा ना
थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रैक्टिस इसको ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि अगर थोड़ा भी वर्कआउट नहीं करेगा ये तो कैसे चलेगा ये। लेकिन ये उठ ही नहीं रहा है, बैठ गया है। मम्मी गेट अप, गेट अप बेटा, गेट अप, गुड बॉय, गुड बॉय, वॉक वॉक, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम। ये देखो ये फिर से बैठ गया वहीं पे। ये इसको वहाँ से लेके आ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक आने में ये 4 बार बैठ चुका है, ये चलना ही नहीं चाह रहा है। अब मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है कि ये लेग बेंडिंग प्रॉब्लम हो रही है इसको, या फिर इसकी बॉडी में जान ही नहीं बची है, कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, खाना तो इसको प्रॉपर मिल रहा है। रोमियो बेटा क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्यों नहीं चलना चाहते हो? आ जाओ आ जाओ, कम गेट अप गेट अप गेट अप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड 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 बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, रोमियो इज़ अ गुड बॉय। अरे यार ये तो रोमियो गुड बॉय है ना बेटा, गुड बॉय है ना, कम गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, गुड बॉय गुड बॉय, कम कम वॉकिंग, कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रोमियो, कम फिर बैठिए भाई, चाहते क्या हो, चलो अंदर। तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इसकी ट्रीट लेके आता हूँ और देखता हूँ कि ये वापस चलता है कि नहीं चलता है, ट्रीट को फॉलो करता है कि नहीं करता है। रोमियो चलो अंदर, ये लो ये लो, कम 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 गेट इट, कम कम आ जा आ जा आ जा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा तुमको, चलो चल चल आ जा इधर, यहाँ पे आ, कम यहाँ कम जल्दी आ जा बेटा, गेट अप, नहीं यहाँ नहीं खाना है, चलो आ जा, कम 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 कम, यस गुड बॉय गुड बॉय, आ जा गुड बॉय कम यहाँ, कम 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 कम, नो नो रोमियो नो, दिस दिस आ जाओ, गेट इट। ये फिर से बैठ गया, फिर से बैठ गया, कम कम चलो अंदर आ जाओ, पिट्टी होगी बैठेगा तो, उठो गेट अप गेट अप गेट अप, गुड बॉय, ये लो कम 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 कम, रोमियो गुड बॉय कम, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, मुझे तो लग रहा है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, या तो बहुत ज़्यादा इसके साथ कमज़ोरी है कि बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है या चलना नहीं चाह रहा है, या इसके पैर में प्रॉब्लम है कि ये नहीं चलना चाह रहा है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। बिट्टू आ जाओ, कम 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 कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम या कम या कम या कम या, इसको चलने में प्रॉब्लम तो हो रही है, क्या है इसको समझ नहीं आ रहा मुझे। ये मैंने इसको यहाँ रख दिया है अभी तो फ़िलहाल के लिए, मैंने इसको दे दिया है, बट ये थोड़ा सीरियस लग रहा है मेरे को, ये दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को। और ये देखो रोमियो के कान के पीछे से एक और मैंने टिक निकाला अभी, ये कान के पीछे से निकाला है, और 2-3 दिन पहले ना मैंने 2 टिक निकाले थे इसके फिंगर के बीच में से, तो इनकी वजह से ना बेचारा ये इतना बीमार पड़ा रहता है हमेशा। तो अभी इसको मारना पड़ेगा, इसका इलाज ही है कि इसको मार दो पूरा अच्छे से। अभी सौरभ आ गया है तो सौरभ के साथ में बैठ के पास जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने, तो देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, 5-10 मिनट लगेगा वहाँ पहुँचने में। चलो रोमियो डॉक्टर के पास, चलो लेट्स गो टू मीट डॉक्टर।
पहुंच गए हम यहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक पे और रोमियो का रिएक्शन वही है, पता चल गया इसको कि पहुंच गए। आ जाओ रोमियो, चलो डॉक्टर के पास, घर में बीमार बैठा रहते हैं। चलो मैं लॉक करता हूँ। आ गए रोमियो डॉक्टर के पास, अब तुम्हारा इलाज होगा यहीं पे, बैठे रहो पे से। क्या हो रहा है रोमियो? क्या बेटा ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। रोमियो को ड्रिप चढ़ गई। रोमियो बेटा आज तो ज्यादा इसके साथ डॉक्टर ने बेरहमी कर दी, परेशान है बेचारा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। काट ले, हाथ काट ले मेरा, नहीं काटेगा। चलो घर चलो। तो अभी रोमियो को हॉस्पिटल से घर लेके आए हैं और डॉक्टर ने इसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई थी और कुछ एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस भी दिए हैं। बोल रहे हैं कि इसको फीवर है 103, तो उसके वजह से भी ना कमज़ोरी बहुत हो जाती है फीवर की वजह से, और उसको वैक्सीन नहीं लगी अभी तक, एक भी दो महीने का हो गया है। तो जब तक इसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी वैक्सीन भी नहीं लगेगी, और वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इसकी तबीयत बीच बीच में ख़राब होती रहेगी कुछ ना कुछ रीज़न से। तो देखो वैसे एकदम स्वस्थ पड़ा है यहाँ पे। तो अभी इसको एक छोटी सी मील देनी है, उसमें दवाई डाल के, बस वही है, क्योंकि ग्लूकोज चढ़ा तो खाना ज़्यादा नहीं देना है इसको। तो बस इसको खाना खिला के वीडियो वगैरह एडिट करके सो जाऊंगा मैं भी। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए प्रे करेंगे। टिल देन कीप लविंग माय वीडियोस। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और वो देखो काम कर रहा है ऊपर बैठ के। तो इसी के साथ गुड नाइट, जय हिंद।